Hello guys, welcome all of you in our YouTube channel. Friends, my main aim of this YouTube channel is to increase agriculture knowledge in agriculture student. So I will start a super 30 series of agriculture, all subject of part of agriculture subject through this channel with the name of super 30 one liner question. It's very important for all agriculture competitive exam. So guys, the first video of this series is from agronomy, part of agriculture. All the subject have two parts, means sabhi subject ke do parts honge. Then the first part of it is agronomy, the first part and the first video. So watch and enjoy this video and understand. And friends, any problem of related this video, so tell me in comment box. Thank you. एंड लेट्स स्टार्ट. तो ये एग्रोनॉमी के एग्रीकल्चर के एग्रोनॉमी पोर्शन के क्वेश्चन हैं जो आपके एग्रीकल्चर लगभग सभी एग्रीकल्चर कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं. और एक बात दोस्तों, ये वीडियो दो पार्ट में है. मैंने अभी फर्स्ट पार्ट अपलोड कर रहा हूँ और सेकेंड पार्ट अभी कुछ दिनों बाद अपलोड होगा. तो दोस्तों वीडियो पूरा देखें. टोटल 30 क्वेश्चन हैं जो ये एग्रीकल्चर के एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट स्पेशल 30 क्वेश्चन हैं, वन लाइनर हैं. तो दोस्तों बहुत ही स्पेशल क्वेश्चन मैंने यहाँ पे कलेक्ट किए हैं, टोटल 30 क्वेश्चन नंबर हैं. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. अपन लोग का फर्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, द टर्म एग्रीकल्चर इज डिराइव्ड फ्रॉम, जो एग्रीकल्चर वर्ड है, टर्म है, वो किस वर्ड से डिराइव किया गया है. तो दोस्तों ये लैटिन वर्ड है. द टर्म एग्रीकल्चर इज डिराइव्ड फ्रॉम लैटिन वर्ड. ठीक, इसी प्रकार सेकंड क्वेश्चन है, द टर्म एग्रोनॉमी इज डिराइव्ड फ्रॉम, जो टर्म एग्रोनॉमी है वो किस वर्ड से ड्राइव किया गया है. तो सेकेंड क्वेश्चन है, एग्रोनॉमी इज ड्राइव फ्रॉम ग्रीक वर्ड, एग्रोनॉमी ग्रीक वर्ड से ड्राइव किया गया है. एग्रीकल्चर लैटिन वर्ड है, एग्रोनॉमी ग्रीक वर्ड. नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड नंबर, समर प्लाउ इज इम्प्रूव, समर प्लाउ, दोस्तों समर प्लाउ एक टीलेज इम्प्लीमेंट्स है, भू परिष्करण यंत्र है जो सॉयल स्ट्रक्चर को इम्प्रूव करने में हेल्पफुल होता है. ये एक यंत्र है समर प्लाउ जो सॉइल स्ट्रक्चर को इम्प्रूव करता है. और नेक्स्ट क्वेश्चन है फोर्थ नंबर, रोसेल एंड मेस्टा आर एग्जाम्पल्स ऑफ, रोसेल एंड मेस्टा फाइबर क्रॉप में होते हैं दोस्तों. तो ये एग्जाम्पल फाइबर क्रॉप के हैं जो कॉटन एंड जूट टाइप के क्रॉप में पाए जाते हैं. और नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीपिंग इज रिकमेंडेड इन विच टाइप ऑफ चिक पी, नीपिंग एक प्रोसेस है चिक पी में, चने में, चने की एक क्रिया है नीपिंग, ये किस टाइप के चने में ज़्यादा सलाह दी जाती है कि इस टाइप के चने में नीपिंग क्रिया ज़्यादा हेल्पफुल यूजफुल होती है. तो दोस्तों वो देसी चने में, देसी चिकपी में नीपिंग की क्रिया बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल यूजफुल होती है, नीपिंग की क्रिया देसी चने में होती है ज़्यादातर, मोस्टली. नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीरो टिलेज सिस्टम वॉज फर्स्ट यूज सक्सेसफुली इन 1950 इन पाश्चर रिवोल्यूशन, पाश्चात्य मीन्स पश्चिमी संस्कृति सभ्यता में सबसे पहले 1950 में जो जीरो टिलेज है, जो शून्य भू परिष्करण है, वो सबसे पहले कहाँ पे सफल हुआ. तो वो यूएसए में, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में सबसे पहले 1950 में जीरो टिलेज सिस्टम सक्सेसफुली यूज हुआ. नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू द मॉडर्न कॉन्सेप्ट ऑफ टिलेज, द मेजर फंक्शन ऑफ इंट्रो टिलेज इज, जो इंट्रो टिलेज का मेजर कार्य है, जो मुख्य कार्य है उसका टिलेज में, मॉडर्न कॉन्सेप्ट, टिलेज के मॉडर्न कॉन्सेप्ट में वो क्या है. तो दोस्तों वो नमी बनाना और मिट्टी को उलटने पलटने में, सॉयल मल्चिंग की क्रिया में बहुत ही हेल्पफुल होता है, उसका मेजर फंक्शन है सॉयल मल्चिंग, मीन्स मिट्टी को उलट पुलट करना और मॉइस्चर कंजर्वेशन और नमी की, ज़्यादा नमी की मीन्स नमी को चेक करना, नमी ज़्यादा है तो उसे बैलेंस करना एक तरह से. नेक्स्ट क्वेश्चन है, थ्रू टिल्थ इज डायनेमिक इन नेचर, इट कैन बी मेजर्ड बाई, जो टिल्थ की क्रिया होती है, ये टिल्थ दोस्तों एक टिलेज की क्रिया होती है, ये डायनेमिक नेचर है, इट कैन बी मेजर्ड बाई, इसे किससे मापा जाता है. तो ये एग्रीगेट एनालिसिस, संरचित विश्लेषण किया जाता है इसका, संरचित विश्लेषण के द्वारा इसका मेजरमेंट किया जाता है और टिल्थ डायनेमिक क्रिया का. नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राइमरी टिलेज प्रैक्टिस आर, जो प्राइमरी टिलेज की क्रिया है वो किसके द्वारा अभ्यासरत होता है. प्राइमरी टिलेज में प्लाउंग और प्लैंकिंग
इसमें मिट्टी के सतह को बराबर करना प्लैंकिंग होती है और प्लाउंग की क्रिया होती है प्लाउंग की। और नेक्स्ट क्वेश्चन है सबसॉइलिंग क्या है, सबसॉइलिंग क्रिया क्या है, सबसॉइलिंग ब्रेकिंग द हार्ड पार्ट एंड नो इन्वर्जेशन ऑफ सॉयल। मिट्टी के ऊपरी सतह जो हार्ड पार्ट होते हैं, जो कठोर सतह होती है, उनको तोड़ना और सॉयल इन्वर्जेशन, मिट्टी की इन्वर्जेशन होती है, मिट्टी की मतलब ऊपर से क्रिया को हटाना होता है पुरानी मिट्टियों को, उसे इन्वर्जेशन, सॉयल इन्वर्जेशन बोलते हैं। एंड नो इन्वर्जेशन ऑफ सॉयल, मिट्टी में सॉयल इन्वर्जेशन क्रिया नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है राइस इज ओरिजिनेटेड फ्रॉम, राइस का उत्पत्ति स्थल कहाँ है, तो दोस्तों ये इंडिया और बर्मा मिक्स एरिया है, इंडिया और बर्मा का जो हम लोग के इंडिया के ईस्ट एरिया में है, इंडिया बर्मा का एरिया, वहाँ पर राइस ओरिजिन हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द राइस वेराइटी ग्रोन इन इंडिया टू बिलोंग्स टू, जो इंडिया में राइस वेराइटी है वो, जो इंडिया में राइस की वेराइटी उगाई जाती है वो कौन सी राइस होती है, तो दोस्तों ये इंडिया इंडिका राइस है। दोस्तों राइस की तीन वेराइटियाँ हैं, इंडिका, जैपोनिका और जावानिका, तो जो इंडिया में होती है वो इंडिका राइस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच गैस इज रिलीज फ्रॉम, सॉरी नेक्स्ट क्वेश्चन 13 नंबर, विच गैस इज रिलीज फ्रॉम पैडीज फील्ड्स, धान के खेतों में कौन सी गैस रिलीज मुक्त होती है, धान के खेतों में मेथेन और CH4 है, ये मेथेन है, मेथेन गैस होता है, ये रिलीज होता है धान के खेतों में। और नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 15 नंबर, द डेंट कॉर्न इज आल्सो नोन एज, दोस्तों कॉर्न भी बहुत सारे टाइप के होते हैं, मेनली 3 टाइप्स होते हैं, उसमें एक डेंट कॉर्न होता है जिसका साइंटिफिक नेम है जिया मेज इंडेंटाटा, ये डेंट कॉर्न का साइंटिफिक नेम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है टेस्ट वेट इज सोरगम इज, सोरगम दोस्तों सोरगम ज्वार को बोलते हैं, ज्वार का टेस्ट वेट कितना होता है, तो टेस्ट वेट मतलब भार परीक्षण, 1000 दानों का, 1000 सीड का टेस्ट वेट होता है, तो उसमें से 25-30 ग्राम टेस्ट वेट होता है सोरगम का। ये 50 क्वेश्चन दोस्तों कंप्लीट हो चुके हैं, नेक्स्ट देखते हैं जो एग्रीकल्चर कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, उसमें से जो 60 नंबर क्वेश्चन है वो है इन सोरगम प्लांट धुरीन इज सिंथेसाइज्ड फ्रॉम, सोरगम के पौधों में धुरीन एक पॉइजन टाइप मटेरियल होता है जो कहाँ पे सिंथेसाइज संश्लेषित होता है, तो दोस्तों ये सोरगम के रूट एरिया में सिंथेसाइज्ड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है UPAS 120 इज अ वेराइटी ऑफ, UPAS एक पिजन पी अरहर की बहुत ही फेमस वेराइटी है, UPAS 120 ये पिजन पी अरहर की बहुत ही फेमस वेराइटी है दोस्तों, इसे याद कर लीजिएगा, अक्सर कॉम्पिटेटिव एग्जाम में, अभी लास्ट ईयर ही शायद ICR में क्वेश्चन आ चुका है, अभी लास्ट ईयर ही आया था, तो दोस्तों ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है UPAS 120। नेक्स्ट क्वेश्चन है सोयाबीन सीड कंटेन, सोयाबीन सीड में मेनली 20% ऑयल एंड 40% प्रोटीन होता है, सोयाबीन सीड में 20% ऑयल एंड 40% प्रोटीन, ये सोयाबीन के सीड में होता है। और ठीक उसका उल्टा मैं एक और क्वेश्चन यहाँ पे न्यू क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ आपको, जिस ठीक इसका उल्टा, ठीक इसके मिरर लेस मतलब उल्टा होता है ग्राउंड नट मीन्स मूँगफली का, ठीक उसका उल्टा, उसमें क्या होता है दोस्तों, उसमें 40% ऑयल, 40% ऑयल एंड 20% प्रोटीन होते हैं, ग्राउंड नट की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक इसका उल्टा, सोयाबीन का ठीक उल्टा, और ये जो आंसर इसका यहाँ पे ग्राउंड नट का है, ठीक इसका उल्टा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों ब्लैक ग्राम इज ओरिजिनेटेड इन, ब्लैक ग्राम एक दलहनी फसल है, उड़द, ब्लैक ग्राम इज ओरिजिनेटेड फ्रॉम इंडिया, ये इंडिया में इसकी ओरिजिन है, उत्पत्ति स्थल इसका इंडिया है उड़द का। नेक्स्ट क्वेश्चन है सोयाबीन इज इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया फ्रॉम USA इन, मीन्स USA से सोयाबीन, भारत सोयाबीन से USA के द्वारा कब परिचित हुआ, कब मीन्स इसका सीधा कहने का तात्पर्य ये है कि सोयाबीन USA से भारत कब आयातित मतलब इम्पोर्ट किया गया, तो 1960 में सोयाबीन USA से इंडिया लाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन 21 नंबर ग्रीन सीडेड ब्लैक ग्राम वैराइटीज, जो
ब्लैक ग्राम की ग्रीन सीडेड मीन्स हरे दाने वाली हरे बीज होती हैं इसमें, हरी कलर की ग्रीन कलर की। ब्लैक ग्राम की वैरायटी कौन सी है हरे बीज वाली, तो ये T77 है। T77 इज अ ग्रीन सीड ब्लैक ग्राम वैरायटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 22 नंबर, ओरिजिन ऑफ ग्राउंड नट इज। आइए दोस्तों, ओरिजिन ऑफ ग्राउंड नट, ग्राउंड नट के कुछ क्वेश्चन की बात कर लें तो जो ग्राउंड नट का ओरिजिन है वो ब्राज़ील है, और ये साउथ अमेरिका का एक कंट्री है ब्राज़ील, वहाँ पे ग्राउंड नट ओरिजिन हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन 23 नंबर, ग्राउंड नट पेक्स डेवलप्ड इन द स्वाल फार्म। जो ग्राउंड नट पेक्स होता है, ग्राउंड नट के आप लोग देखोगे मूंगफली की जड़ों में गांठें बन जाती हैं, ये मिट्टी में किसके द्वारा डेवलप होते हैं, तो दोस्तों ये ग्राउंड नट के फ्रूट जो मूंगफली की फलियां होती हैं उनके द्वारा ये विकसित होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 24 नंबर, द सीड रेट केजी पर हेक्टेयर फॉर मस्टर्ड मेन क्रॉप इज जेप आउट। सरसों की मुख्य फसल के लिए कितना उसका बीज दर होता है, कितने हेक्टेयर में मीन्स एक हेक्टेयर में कितने केजी सरसों की बीज दर होती है मुख्य फसल के लिए, तो दोस्तों ये 4 से 6 केजी पर हेक्टेयर सीड रेट फॉर मस्टर्ड इन मेन फॉर मेन क्रॉप। मीन्स सीधा कहने का तात्पर्य यह है कि 4 से 6 केजी एक हेक्टेयर में सरसों की मुख्य फसल के लिए 4 से 6 केजी बीज प्रति हेक्टेयर लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमेरिकन कॉटन शुड बी प्लांटेड एट अ डिस्टेंस ऑफ, जो अमेरिकी कपास है उनके पौधों की बीचों बीच की दूरियां कितनी होनी चाहिए, तो एक पौधे की दूसरी पौधे से दूरी 60x45 मीन्स 60x45 60x45 होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 26 नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आल्सो नोन एज मनाली नट। मीन्स किस नट को आल्सो मनाली नट के नाम से जानते हैं, तो ग्राउंड नट इज आल्सो नोन एज मनाली नट। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोहिनी इज अ वैरायटी ऑफ। मोहिनी दोस्तों एक मूंग की वैरायटी है, ये भी बहुत फेमस वैरायटी है मोहिनी। आइए आरआई के द्वारा ये रिमूव किया गई वैरायटी है, मोहिनी इज अ वैरायटी ऑफ मूंग। नेक्स्ट क्वेश्चन 28 नंबर, इंटरनेशनल क्रॉप रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर सेमी एरिड ट्रॉपिक्स एक रिसेट इज सिचुएटेड इन। जो अर्ध मीन्स सेमी एरिड जो शुष्क क्षेत्रों के क्रॉप होते हैं उनका अंतर्राष्ट्रीय रिसर्च इंस्टीट्यूट किस जगह पे है स्थित हैं, तो दोस्तों एक्रिसेट इज सिचुएटेड इन हैदराबाद। एक्रिसेट जो है इंटरनेशनल क्रॉप रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर सेमी एरिड ट्रॉपिक्स इज सिचुएटेड एट हैदराबाद इन तेलंगाना। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ कंजर्वेशन टीलेज इज टू कंजर्व। जो टीलेज का मुख्य उद्देश्य है, टीलेज का जो मुख्य संरक्षित करने का उद्देश्य है वो किस चीज़ को संरक्षित करना है, तो दोस्तों इसमें वाटर एंड सॉयल। टीलेज कंजर्वेशन का मुख्य ऑब्जेक्ट है वाटर एंड सॉयल को कंजर्व करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30, सोयाबीन इज अ नेटिव क्रॉप फ्रॉम। सोयाबीन कहाँ का मुख्य फसल है, सोयाबीन इज नेटिव क्रॉप फ्रॉम चाइना। सोयाबीन चाइना की चीन की एक मुख्य फसल है, ये चाइना का मेन फसल है। दोस्तों ये 30 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं हमारे, ये फर्स्ट वीडियो है, और नेक्स्ट वीडियो जो पार्ट 2 है इसका इकोनॉमी के ही क्वेश्चन रहेंगे, 30 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वो भी रहेंगे, वो ग्रेजुएशन बीएससी एग्रीकल्चर लेवल क्वेश्चन रहेंगे, थोड़ा इससे हाई लेवल क्वेश्चन रहेंगे, तो वो वीडियो अभी मैं कुछ दिनों बाद अपलोड करूँगा। तब तक के लिए इस वीडियो को, इस क्वेश्चन को, एग्रीकल्चर एग्रोनॉमी के क्वेश्चन को एंजॉय कीजिए, और वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद, आप सभी का दिन शुभ हो। धन्यवाद।